रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। भारत की ओर से की गई कार्रवाई से पाक एक बार फिर से बौखला गया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ये भारत की पाकिस्तानी के नापाक इरादों पर तीसरी बड़ी स्ट्राइक है। ताजा स्ट्राइक से उपजे हालातों के बीच पाकिस्तान की सरकार अपना हवाई क्षेत्र भारतीय उड़ानों के लिए पूरी तरह से बंद कर सकती है। इस संबंध में पाकिस्तान के उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान का कहना है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। खान ने कहा कि कैबिनेट में भारत के लिए हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेने पर विचार किया जा सकता है। खान का यह बयान नियंत्रण रेखा पर कई क्षेत्रों में संघर्ष विराम उल्लंघन की ताजा घटनाओं के बाद आया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस ताजा गोलीबारी में उसका एक जवान और 6 आम नागरिक मारे गए हैं। इससे साफ है कि आए दिन सीज फायर उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को 4 साल में 3 बड़े एक्शन से ये संदेश मिल गया है कि भारतीय सेना अब इंतजार करने की रणनीति छोड़ चुकी है और अब भारत का रुख रक्षात्मक नहीं आक्रामक है। लेकिन गीदड़ भपकी देने वाला पाक सुधरने की बजाय कभी हवाई रास्ता बंद करने की तो कभी भारत पर परमाणु हमला करने की बात करता है।